So till now we have discussed about the Orientalist viewpoint, Anglicist viewpoint, who were Orientalist thinkers, who were different names we have discussed about Orientalist and Anglicist. Anglicist, I think word nahi likha hua aapki book mein, theek hai? So aapko pata hona chahiye, theek hai? Ki they were who promoting the English as a medium of education or European education. And then we have started yesterday the heading Education for Commerce. ठीक है, सो कॉमर्स मींस ट्रेड. ठीक है, ट्रेड रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज, जैसे कॉमर्स एक सब्जेक्ट भी होता है आगे, है ना, टेंथ के बाद कॉमर्स मेडिकल नॉन मेडिकल, तो कॉमर्स भी एक सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे अब हम कॉमर्स का मीनिंग क्या ले रहे हैं, ट्रेड, और हम कह सकते हैं कि ट्रेड बिजनेस, उसमें मीनिंग इसका ले रहे हैं. सो एजुकेशन फॉर कॉमर्स, अब जैसे हमने 1854 में एजुकेशन की, पहले तो हमने बात की कि एक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हो गया था, कौन से ईयर में, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835. ठीक है, 1835 में एक्ट पास हो गया था. ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट. ठीक है, उसके बाद अब 1854 में हमने वुड्स डिस्पैच की कल बात की थी. ठीक है, 1854 में वुड्स डिस्पैच, व्हाट वाज दिस वुड्स डिस्पैच, अब ये क्या था, इट वाज आल्सो एन ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी. ठीक है, और ये दिया था चार्ल्स वुड, उसी के नाम से इसका नाम हो गया वुड्स डिस्पैच. ठीक है, सो चार्ल्स वुड, he was the president of board of control of the company and he issued this dispatch, this order regarding this education. jo act pass hua hai usko properly implement karne ke liye proper unhone framework taiyar kiya education ka, ki kaise education jo hai hum promote karenge, implement karenge yahan india mein. wo to unhone britain mein pass kar diya act, british government ne pass kar diya, ab indian yahan pe to colonial government hai, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना है वो जो भी लॉ पास किया गया है. तो उन्होंने ये प्रॉपर प्लानिंग फ्रेमवर्क तैयार किया कि कैसे इसको सारा फॉलो करना है हमने. ठीक है, क्या क्या चीजें हमने करनी है, तो उसको क्या कहा गया, वुड डिस्पैच. ठीक है, तो धीरे धीरे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम सिर्फ अभी इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो अब इसमें क्या था, आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी, जो भी एजुकेशन की पॉलिसी थी. ठीक है, उस टाइम पे एजुकेशन पॉलिसी जो बना दी गई थी, जो उन्होंने लॉ बनाया है उसको पूरा आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क तैयार की गई. ठीक है, आउटलाइन द एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी हम कैसे फॉलो करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो वो सारे उन्होंने एक आउटलाइन तैयार की. एंड emphasized once again the practical benefits, और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं Orientalist ने, sorry Anglicist ने European language के कितने benefits की बात की, uses की बात की, advantages की बात की, कैसे उसको emphasize किया कि क्यों promote करना चाहिए, है ना, वो सारे points एक बार इस Woods Dispatch ने दोबारा से emphasize किए, outline किया education policies को, और एक और इसने emphasize किया, किसको emphasize किया, किसको किया, बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन एजुकेशन. ठीक है, या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन लर्निंग, जो यूरोपियन लर्निंग है उसके बेनिफिट्स. अब इसको हम कॉमर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं कि कैसे उनको ट्रेड में भी बेनिफिट होगा, जो बिजनेस उनका पर्पस है बेनिफिट का, वो कैसे साथ साथ में सॉल्व होगा एजुकेशन के साथ साथ. ठीक है, तो पहले तो हमने बात की थी इसमें कल भी कि जैसे उनको नॉलेज मिलेगी, दे विल बिकम अवेयर ऑफ द न्यू एडवांसमेंट डेवलपमेंट्स ऑफ यूरोपियन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, जो भी ब्रिटेन में हुई है. एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो रहा है, तो सेम उसकी एक्सपेंशन जो है वो इंपॉर्टेंस यहाँ के लोग भी समझेंगे. ठीक है, वो चीज इनको भी मिलेगी. देन इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, जो यूरोपियन वेज थे, तो ये पॉइंट्स वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, चलो एक बार हम लिख लेते हैं. पहला पॉइंट क्या हो गया, एडवांटेजेस, कैसे एम्फेसाइज किया उनको, एडवांटेजेस हो गए,
एडवांटेजेस ऑफ यूरोपियन लर्निंग, जो वहां पे एडवांसमेंट्स हुई हैं, है ना, उसका एडवांटेजेस इनको मिलेगा अगर हम को यूरोपियन लैंग्वेज में उनको एजुकेशन देंगे, ठीक है। देन उनको इंट्रोड्यूस करेंगे हम न्यू वेज ऑफ लाइफ, ठीक है, इंट्रोड्यूस देम विद द न्यू वेज ऑफ लाइफ, ठीक है। उनका टेस्ट चेंज होगा, उनका कल्चर चेंज होगा, न्यू उनकी डिजायर्स बनेंगी, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स होती है, एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती हैं, आपके माइंड में एक डिजायर क्रिएट करती है कि इस चीज को यूज करके देखते हैं हम, है ना। तो अगर उनको प्रॉपर तैयार ही वैसे किया जाएगा, एजुकेशन ही उनकी नरिशमेंट ही वैसे होगी, तो उनका एक बिल्कुल ही टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो अपने आप को एक यूरोपियन की तरह ही ब्रिंग अप करेंगे, है ना। जैसे उनके ब्रिटेन में, जैसे वहां पे वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, सेम वही तरीका यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी उनको एक ब्रिटिश, हम कह सकते हैं कि यूरोपियन के बिल्कुल एक प्रॉपर, जैसे स्लेव उन्हें चाहिए वो मिल जाएंगे तैयार, जो उनको ब्रिटिश से मंगाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या करते थे पहले, इंग्लिश में अगर, क्योंकि वो तो इंग्लिश ज्यादा जानते हैं ना, यहाँ के लोगों साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने सीखी भी, लेकिन काफी मुश्किल आ रही थी उन्हें। अब वो यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ से उनको क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, सारी जो उनकी डिमांड होगी ब्रिटिश गुड्स की वो भी होगी। अब इस इंट्रोडक्शन से क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी, डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड दे विल अप्रिशिएट देयर थिंग्स, उनकी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, खरीदेंगे भी, जब उसकी डिजायर बनेगी, डिमांड होगी, उनको अप्रिशिएट करेंगे और उनकी चीजों को खरीदेंगे। हाँ जी, ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये ब्रिटेन में पास किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कौन सी किसका रूल था, बिफोर 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। 1857 में क्या हुआ था, देयर वाज 1757 में हुई थी बैटल, 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन की सीधी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा इंटरफेयर नहीं कर रही थी, ठीक है, वो रूल बना देती थी, कंपनी को बोल देती थी कि आपने इंडिया में जाना है तो ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो ये कंपनी उन रूल्स को फॉलो करती थी, ठीक है। अब ये एक्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पास किया, और यहाँ पे ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये उन्होंने वुड डिस्पैच तैयार किया, क्लियर। अभी तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, सारी बातें खत्म हो गई आफ्टर 1947, ये हम हिस्ट्री की बात करें, अब बिफोर 1947, ठीक है। तो ये अभी जैसे हम 1947 तक पूरी इस बुक में स्टडी करेंगे कि 1947 तक कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कैसे सारी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई। पहले अभी तक हमने जो पिछले टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, उसमें हमने रिबेलियंस के बारे में पढ़ा, है ना, ट्राइबल लोगों ने कैसे रिवोल्ट किया, फार्मर्स लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया, फिर 1857 रिवोल्ट के बारे में हमने स्टडी किया कि वो रिवोल्ट हुआ क्यों, उसका रिजल्ट क्या हुआ वो भी देख लिया हमने, है ना। अब ये हम एजुकेशन के साथ रिलेटेड सिर्फ इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन के, वो टाइम पीरियड सारा हमारे माइंड में रहेगा जो जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मूवमेंट और ज्यादा तेज हो गई, वो भी डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स में, ठीक है। इस टॉपिक में हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पे, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, क्यों आ रहे थे। यहां तक क्लियर हो गया ना, कि अलग अलग व्यू पॉइंट थे उनके, ओरिएंटलिस्ट का अलग व्यू पॉइंट था, एंग्लिसिस्ट का अलग व्यू पॉइंट था, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस किसका पड़ा, एंग्लिसिस्ट का, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं ना, उनको गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी मिल रही हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो एंग्लिसिस्ट का व्यू पॉइंट ज्यादा इन्होंने इम्पैक्ट डाला ब्रिटेन की गवर्नमेंट में। उन्होंने एक्ट भी पास कर दिया कि यूरोपियन लैंग्वेज को ही आप प्रमोट करो वहां पे, उसके लिए आपको मिलेगी ग्रांट्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो डिस्पैच तैयार किया गया, उसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अब उन्होंने उसमें वो सारी पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे उसको और ज्यादा एम्फसाइज किया अपने बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी है ना, वो कंपनी है, तो कंपनी ने अपने तरीके से उसके एम्फसिस को, उसकी एडवांटेजेस को प्रमोट किया। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है बेटा। सो एडवांटेजेस जो उसकी डिवेलपमेंट है, कि वो डिवेलपमेंट्स मिलेंगी, सारा ट्रेड और कमर्स वहां पे डिवेलप हो रहा है, तो इनको भी नॉलेज मिलेगी, यहाँ पे भी डिवेलपमेंट होगी, इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी दैट दे विल परचेज, वो चीजें खरीदेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है।
जो भी चीजें वो यूरोप में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो इस तरह उनका मॉरल करेक्टर भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, मॉरल करेक्टर दे विल ऑल्सो इम्प्रूव। मॉरल करेक्टर कैसे, जैसे उनकी सोशल कस्टम्स कल्चर वो चेंज कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, और वो ज्यादा ऑनेस्ट बनेंगे, ट्रूथफुल बनेंगे। अब वो यूरोपियन लैंग्वेज ले रहे हैं तो वो अपने आप को एक यूरोपियन की तरह ग्रो होंगे, और ज्यादा यूरोपियन पढ़ रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट भी करेंगे, यूरोपियन कल्चर को, यूरोपियन लैंग्वेज को, और वो ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा ट्रूथफुल होंगे, ज्यादा ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। ऑनेस्ट किसके लिए होंगे, ऑनेस्ट टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो उनका मॉरल करेक्टर इंक्रीज होगा किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए वो ज्यादा ऑनेस्ट बन जाएंगे, ज्यादा ट्रूथफुल होंगे, क्योंकि उनको काम करने के लिए यहाँ पे भी तो चाहिए ना वर्कर्स, क्लरिकल स्टाफ, ठीक है, तो उनको ज्यादा ऑनेस्ट स्टाफ मिलेगा यहाँ पे अगर वो उनको यूरोपियन लैंग्वेज देंगे। एंड सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स, जो भी सिविल सर्वेंट्स हम के बात कर रहे हैं कि जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, तो जो सिविल सर्वेंट्स की सप्लाई है वो उनको यहाँ पे मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, अगर हम, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, वो ब्रिटेन से ऑफिशियल्स को यहाँ पे लेके आ रहे थे, उनको ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ रही थी पहले उनको, ठीक है, अगर ब्रिटेन से यहाँ पे काम, क्योंकि वो अकेली कंपनी खुद तो नहीं ना, इतना बड़ा एम्पायर जैसे इंक्रीज हो रहा है और ज्यादा ज्यादा एरियाज को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे काम वो अकेले कैसे करेंगे, उन्हें चाहिए ऑफिशियल्स। पहले वो ऑफिशियल्स कहाँ से मंगवा रहे थे, ब्रिटेन से, अब यहीं पे एजुकेशन देंगे, यहीं पे उन्हें ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये उनके अपने बेनिफिट्स है कि हमें यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स भी मिल जाएंगे कंपनी को। देन दे विल बी ट्रस्टेड, उनके ऊपर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, उनके ऊपर हम डिपेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे तरीके से ग्रो अप हुए हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे बने हैं वो। सो द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, सो इट कुड नॉट इंस्टिल अ पीपल ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, जो यहाँ का लिटरेचर है वो उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहा, लेकिन हम उन्हें अच्छी तरह से रेडी करेंगे, ठीक है। सो देन अ कमिटमेंट टू वर्क, उनमें ड्यूटी है, कमिटमेंट टू वर्क है, ये उनमें क्वालिटीज नहीं है, तो जो हम एजुकेशन देंगे उससे उनमें ड्यूटी को अपना पूरा करने की ड्यूटी, वो मॉरल करेक्टर इंक्रीज होगा, उनमें कमिटमेंट टू वर्क वो इंक्रीज होगी, एंड इट विल डिवेलप द ऑल स्किल्ड रिक्वायर्ड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिविल सर्वेंट्स की सप्लाई होगी, उनमें वो सारी स्किल्स होंगी, इसी के साथ ही है, तो उनमें वो सारी स्किल्स होंगी जो हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। यहाँ इंडिया में हमने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो उसके लिए जो हमारे सिविल सर्वेंट्स में स्किल्स होनी चाहिए, ऑनेस्टी की, ड्यूटी की, कमिटमेंट टू वर्क, वो सारी रिक्वायर्ड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मिलेंगी हमें, यूरोपियन एजुकेशन से, जो गुड डिस्पैच उन्होंने तैयार किया है, ठीक है, फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गए और सारे व्यू पॉइंट्स, मोस्टली रेपिटेशन भी थी, लेकिन उन्होंने इनको अपने तरीके से मोल्ड किया है फॉर कमर्स, ठीक है, कि उनको बिजनेस में कैसे फायदा होगा इस यूरोपियन एजुकेशन का, ठीक है, इसमें उन्होंने कोई वो दूसरी बात नहीं की जो कि ओरिएंटलिस्ट या इन्होंने की थी, इन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें की कि हमें क्या फायदा होगा, हमें सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे जिसमें सारी स्किल्स होंगी जो हमें चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होंगे, हमारी डिमांड्स वगैरह इंक्रीज होगी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो सारा फायदा हमें ही होगा एटलीस्ट। सो इस वुड डिस्पैच को फॉलो करते हुए कई उन्होंने धीरे धीरे और चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट वर सेटअप, ठीक है, गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया जो प्रॉपरली स्टडी करेगा कि हमने चेंजेस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लेके आने हैं, ठीक है, टू एक्सटेंड द कंट्रोल ओवर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड सारे मैटर्स को क्या करेगा, कंसिडर करेगा, ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी सेटअप किया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट वो सेटअप किया गया, ठीक है, देन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया गया कि जो स्कूलिंग एजुकेशन हो रही है स्कूल के बाद जो कॉलेज की एजुकेशन होगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम था वो भी एस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद अब ये जैसे हम बात करें 1854 की, तो जब ये सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं
उस साइड पे और क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी जो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, 1857 की रिवोल्ट की सारे रीजंस रेडी हो रहे थे, अलग अलग रीजंस थे सभी के पास रिवोल्ट करने के। तो यहाँ पे ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकली वो रिवोल्ट करने की सोच रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। सो अब इस तरह, अब इसी के साथ एक और है, यहाँ पे हमने बात की ना मॉरल करेक्टर वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी उस टाइम पर इंडिया में आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज का काम क्या था, देवर वॉन्टेड, वो इस कंपनी के साथ नहीं थे। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका जो रोल था वो इस कंपनी से अलग था। वो दे हैव केम टू इंडिया ओनली टू प्रमोट देयर रिलीजन, वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने आए थे, ठीक है। और वो इस सारी एजुकेशन सिस्टम के फेवर में नहीं थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रमोट द मॉरल एजुकेशन, और वो कह रहे थे कि मॉरल एजुकेशन जो है ये चीजें मॉरल एजुकेशन प्रमोट नहीं कर रही, ठीक है। सो दिस आर्ग्यूमेंट, ये सारा किस चीज, ये सारे जो वेज थे इंट्रोड्यूसिंग ऑफ यूरोपियन लर्निंग, ये क्या बता रहे थे, दीज आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट, है ना, कि ये सारी चीजें क्या है, इनके पास प्रैक्टिकल बेनिफिट है ना, कि ये यूरोपियन लैंग्वेज का प्रैक्टिकल बेनिफिट है, जबकि जो एशियन लिटरेचर है उसका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं है। ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बता रहे हैं, चाहे एंग्लिसिस्ट ने बताया, चाहे ये वुड डिस्पैच में बताए गए, ठीक है। तो दीज ऑल वर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उस टाइम के, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इट, वो इसके फेवर में नहीं थे। दे वर क्रिटिसाइज्ड दिस आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन because they felt that education should attempt to improve the moral character of people and morality could be improved only through Christian education. और वो क्या कहते थे कि moral हमारा जो education का view point क्या होना चाहिए, उनका moral character improve करना, और वो कैसे improve हो सकता है, सिर्फ Christian education से, ठीक है। They were having their own viewpoint. Clear? So कई उस टाइम पीरियड में जब ये डेवलपमेंट्स चल रही थी, रिवोल्ट की भी उधर तैयारी हो रही थी, और उसी टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी, जैसे हमने बात की थी कि गवर्नमेंट पहले तो प्रमोट नहीं कर रही थी क्रिश्चियन मिशनरीज को, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने एक लॉ पास कर दिया था कि इफ समबडी इज कन्वर्टिंग द रिलीजन देन दे विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर, ठीक है, ऑफ देयर जो भी उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो उनको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह के लॉज भी बन रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज वो अपना मिशन कर रहे हैं और मिशनरी स्कूल्स भी ओपन कर रहे हैं जहाँ पे उन बच्चों को मिशनरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज अलग है, यूरोपियन एजुकेशन अलग है, ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बात की ना कि ओरिएंटलिस्ट की, एंग्लिसिस्ट की, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, वुड डिस्पैच कंपनी का अपना हो गया जो भी इसका व्यू पॉइंट था, ठीक है। देन यहाँ के जो लोकल स्कूल थे वो कैसे थे, अभी तक हमने उसकी बात नहीं की, है ना, कि लोकल स्कूल कैसे थे। तो ये आपने रीड करके रखना है, व्हाट वर द सिस्टम इन ऑफ लोकल एजुकेशन एंड व्हाट हैपेंड टू दैट सिस्टम, वो सिस्टम क्या था और उसमें क्या चेंजेस आ गए। ये सारे चेंजेस आए, लेकिन इससे पहले यहाँ पे सिस्टम क्या था, वो सिस्टम क्या था और उस सिस्टम में चेंजेस क्या हुए। जो सिस्टम में चेंजेस हमें पता चलते हैं रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, ये आप रीड करोगे, ठीक है। और फिर उस सिस्टम में क्या नए रूल्स बने, क्या नए चेंजेस आए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बेटा, क्लियर? तो ये नेक्स्ट आपने रीड करके रखना है।